वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता। मैं मुराद मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास सिक्स की जो इंग्लिश की ओपन स्काइज की बुक है उसका चैप्टर 9। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमारा जो टॉपिक नेम है वो है विलियम टेल, यानी कि यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम विलियम है और उसकी कहानी से रिलेटेड यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। मैं अपने वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं और वो बार बार ये पूछते हैं कि मैडम आपके चैनल के किसी और नाम से भी हमें अपने आपके क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं क्या, एक्सेक्टा एक्सेक्टा बहुत सारे क्वेश्चन है वो पूछते हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा, जब आपको अगर इंग्लिश से विद स्मिता मैम के नाम से अगर आपका कोई भी चैप्टर अगर नहीं निकल रहा है तो उसका एक लिंक है, उसका एक मतलब जैसे मैं कहूँ एक मूव ऑन है किस तरह से आपको मूव ऑन करना है वहाँ पे, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूट्यूब पे जाके और इंग्लिश विद सुनीता मैम के नाम से वो जो लिंक है वो सर्च करनी है। देन उसके बाद वहाँ पे वो ओपन हो जाएगा और एक बुक का लोगो होगा जिसके अंदर बुक लिखी हुई होगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसको क्लिक करते ही वहाँ पे प्लेलिस्ट ऑप्शन आपको दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वहाँ पे सारे प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी, आपके इतना फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स, सेवन, थर्ड क्लास, नाइन्थ क्लास, इस तरह से। तो अब जिस क्लास की आपको जो भी चैप्टर वगैरह है आपको देखने हैं, क्वेश्चन आंसर देखने हैं, तो वहाँ उस क्लास के प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पे आप ये सर्च करें। अगर ये आपको थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस लगता है तो आप ऐसा करें कि डायरेक्ट जो चैप्टर आपको देखना है वो चैप्टर डायरेक्ट आप यूट्यूब पे सर्च करें। जैसे आपका चैप्टर इसके अंदर आपका सिक्स क्लास का चैप्टर है उसमें आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एनीथिंग कुछ भी चैप्टर आपको देखना है वो डायरेक्ट वो चैप्टर वहाँ पे सर्च करें, उसके ऊपर क्लिक करें, वहाँ पे आपके सामने वो ऑप्शन खुल जाएंगे तो उसके बाद आप जाके उसे देख सकती हैं। इसके बाद हम आगे इसमें चैप्टर 9 है और इसके फर्स्ट ऑफ ऑल वही एज यूजुअल जो मैंने आपको बताया है कि इसके यहाँ क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। तो चलो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैकेबलरी यहाँ पे दिख रही होगी। वैकेबलरी में जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट वैकेबलरी है और जितना हमें करना है उतना मैंने वहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी हमें नेसेसिटी है उतनी मैंने अंडरलाइन कर दी है, तो उतनी ही आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है हमारी लर्निंग वर्ड्स की और लर्निंग वर्ड्स में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर रखा है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सफिक्स, हमें यहाँ पे अब छोटा सा भी सिर्फ आपको ये हेडिंग देखनी है, सफिक्स यानी कि हमें ए एल जो हमारा रूट वर्ड है उसके हमें रूट वर्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये हमें कि ही और सी इज द हेड ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का यानी कि जहां पर भी हम पढ़ने जाते हैं उसका हेड क्या कौन होता है, वो ही और सी कोई भी हो सकता है, तो उसका हेड होता है प्रिंसिपल। तो वहां पे ये देख के हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो प्रिंसिप जैसे यहाँ पे प्रिंसिप के आगे हमें ए एल ऐड करके तो ये क्या बन गया है, प्रिंसिपल बन गया है, ये इसको बोलते हैं सफिक्स। तो मैंने पहले भी इनको काफी बार आपको बताया हुआ है, एक होता है सफिक्स दूसरा होता है प्रीफिक्स। तो जो रूट वर्ड होता है जैसे ये हमारा रूट वर्ड है, अगर इसके आगे कोई भी वर्ड यहाँ पे ऐड करते हैं उसे बोलते हैं सफिक्स, और इधर पीछे की तरफ जो ऐड होता है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। तो अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस वी हैव फील्ड हेयर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देन आफ्टर दैट वी विल टर्न अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो एज यूजुअल हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं यहाँ पे और वन बाय वन हम इसके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है कि व्हाट वाज द सरप्राइज फॉर वॉल्टर। तो यहाँ पे सरप्राइज क्या है, तो यहाँ पे सरप्राइज क्या है कि द सरप्राइज सुपीरियंस। तो यहाँ पे जो सरप्राइज के मतलब जो यहाँ पे जिस चीज को लेके और वो सरप्राइज हो जाते हैं, तो वो आप तो चैप्टर पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा वो जो दैट, इतना तो हम यहाँ से क्वेश्चन से इसको पुट अप कर लेते हैं कि द सरप्राइज वॉज, और फिर यहाँ पे इसके बाद हम ऐड कर देते हैं दैट हिज फादर, ये एफ ए टी एच ई आर फादर, एंड हैड बॉट ए लिटिल क्रॉस बो फॉर
हिम, यहाँ पे ये क्या है हिम, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ क्रॉस बो क्या होता है। क्रॉस बो वो होता है जहाँ एक तरह की जैसे जैसे कोई लकड़ी का कोई सपोर्ट होता है, लकड़ी का कोई सपोर्ट होता है जिसके अंदर हम जैसे हम क्या कहूँ, जैसे हम कोई भी जैसे जिसके अंदर तीर डाल के, एरो डाल के हम उसे शूट करते हैं, उसे कहते हैं बो। एक तरह से जैसे कि यहाँ पे क्रॉस बो हम उसको बोल सकते हैं धनुष, इन धनुष का नाम आप सबने सुना होगा, तो जिसमें कि हम एरो डाल के और किसी भी चीज को हम शूट करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए लिटिल क्रॉस बो फॉर हिम। देन उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है हाउ हाउ वॉज द गवर्नर ऑफ टेल्स विलेज, टेल्स विलेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। द गवर्नर GOVER NOR, अगर कोई स्पेलिंग नहीं समझ में आती है तो बुक सामने रख के उसे फाइंड आउट करके फिर करें, मिस्टेक ना करें। ऑफ टेल्स विलेज वॉज ए क्रूल मैन, कैसा कैसा था वो, क्रूल मैन था, इट मीन्स जो निर्दयी होता है, जिसके अंदर कोई दया भाव नहीं होती है। देन उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है वाई वॉज विलियम कोट बाय द गवर्नर्स मैन, तो क्यों पकड़ा था उसको, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम वॉज कॉट बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा पकड़ा गया था, क्योंकि बिकॉज ही रिफ्यूज टू, क्योंकि उसने मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था बोट टू ए टोरेंट। तो यहाँ पे इसका आंसर, यहाँ पे ये स्पेलिंग हो जाए TYRANT, और ये बाकी का जो जो एक्सप्लेन होगा वो आप जब चैप्टर रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आंसर है वो लास्ट एंड फाइनल, व्हाई डिड द गवर्नर लेट विलियम गो फ्री, क्यों जाने दिया था उसे, क्यों फ्री कर दिया था, बिकॉज द गवर्नर लेट विलियम टेल गो फ्री, गो फ्री बिकॉज ही वॉज सिक एंड फ्राइटेंड, क्योंकि वो बीमार पड़ गया था और बहुत ज्यादा डर गया था इसलिए उसको जाने दिया। उसके बाद हमारी बारी आती है इसके ट्रू फॉल्स की, ट्रू फॉल्स में आप देख सकते हैं कि हमारे सारे के सारे ट्रू हैं, तो आप इसको अपनी बुक के अंदर फिल कर लें। देन जो थर्ड टॉपिक है वो हमारा लेसन में से हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने होते हैं, तो आई हैव ऑलरेडी फील्ड, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई लाइन अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप एक बार बुक का सहारा जरूर ले लें, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे राइट ही डाले हैं, बट बच्चे क्या होते हैं छोटे हैं इसलिए समझ नहीं पाते हैं, और बुक की लैंग्वेज वो समझ जाएंगे। तो आप एक बार हल्का सा जैसे ही मैंने ये डाला है ये लाइन कहाँ पे है, उस लाइन पे आप उसे सर्च कर लो अपनी बुक के अंदर, अपने चैप्टर के अंदर, और फिर वहां से फाइंड आउट करके आप अकॉर्डिंग टू यू आप वहां पे राइट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी बारी आती है क्वेश्चन नंबर फोर की, क्वेश्चन नंबर फोर हमारे टिक वाले क्वेश्चन है जिसमें ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टिक्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें थर्ड हो जाए क्रूल मैन, तो आप जब लेसन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई वो क्रूल मैन था, बिल्कुल निर्दयी था। और बी में भी फर्स्ट हो जाए वॉक पास्ट द हाइट, एंड सी में हो जाएगा इसका लास्ट ऑन हिज हेड, जो डी वाला है उसमें हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो इस यहीं पे हमारे इस क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं, तो हम इसके बाद इसकी यूजिंग ग्रामर देख लेते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारे जो यूजिंग ग्रामर है वो कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब से रिलेटिव है, तो इसके यूजिंग ग्रामर कराने से पहले मेरे आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, और जिस किसी के लिए भी ये यूजफुल है उसे शेयर जरूर करें, और उसे मेरे चैनल के बारे में जरूर बताएं। इसमें फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले में शॉर्टली हो जाएगा, ये मैंने पहले भी आपको काफी बार बताया है कि जिसमें LY, ये आपको समझने में काफी आसानी रहेगी कि अगर कोई रूट वर्ड है और उसमें अगर आपको LY लिखा हुआ मिल जाता है तो इट मीन्स वो एडवर्ब है। तो यहाँ पे LY ये एडवर्ब होगा, इसमें भी LY लगा हुआ, ये एडवर्ब हो गया है। और यहाँ पे एवरीवेयर, एवरीवेयर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पे यूज हो जाएगा एवरीवेयर, एंड इसमें हो जाएगा ऑलमोस्ट, एंड ई नंबर में हो जाएगा बिटरली, एंड एफ नंबर में हो जाएगा नेवर, जी नंबर में हो जाएगा हार्डली, एंड एच में हो जाएगा टेरिबली, एंड आई में हो जाएगा अर्ली, और जे में हो जाएगा वोट। तो इसके बाद हमारी जो बारी आती है वो आती है सेकंड नंबर क्वेश्चन की, और पीछे अगर आपका नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं।
इसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर रखा है, फर्स्ट हमें एक करके हमें दे रखा है और सेकंड वाला है हमारे सी ग्रीटेड मी पोलाइट मोस्ट पोलाइटली ऑफ ऑल। तो यहाँ पे जो हमारा रूट वर्ड है, यहाँ पे जो वर्ब दे रखी है हमें, तो वो अकॉर्डिंग टू जो हमें कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग? एडवर्ब को कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट पोलाइटली हो जाएगा, इसमें मोर हैप्पीली हो जाएगा। मोर आपको पता है मोस्ट और मोर सुपरलेटिव में मोस्ट यूज होता है एंड जो कंपेरेटिव है उसमें मोर यूज होता है। तो यहाँ पे मोस्ट ग्रेसफुली है तो ये सुपरलेटिव हो गया है। मोर क्लियरली है, मोर है देखो तो कंपेरेटिव हो गया है। हायर, एक बात और, जिस तरह से मोर कंपेरेटिव में यूज होता है उसी तरह से ई आर लगने पर भी वो कंपेरेटिव बनता है और जिसमें ई एस टी आता है वो सुपरलेटिव होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर के बाद बारी आती है मोर केयरफुली और यहाँ पे फास्टर, ये वर्स्ट और ये हार्डर। वर्स्ट क्या होता है? बैड, यानी बैड यानी बुरा, और बुरे से भी बुरा क्या होता है? वर्स्ट होता है। तो यहाँ पे डब्ल्यू ओ आर एस टी और एफ ए एस टी ई आर फास्टर, एच ए आर डी आर हार्डर। क्लियर? इसी के साथ मेरा ये आज का चैप्टर अपना फिनिश हुआ और अगर आपने मेरे चैनल को एक लाइक नहीं दिया है तो जरूर दे दें। ओके, बाय बाय गाइस। और अगर आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के लिए वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे जाएं तो आपको मैंने आपके पीछे की जो वीडियो डाली है उसे आप प्ले सिक्स क्लास की प्लेलिस्ट में और सर्च करें और आगे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, बाय बाय गाइज़।